हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में इस रिवीजन वाली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिवीजन है ये हिंदी का, आज से हमने शुरू किया है। संधि सबसे पहले पढ़ा रहा हूं और आपकी इसमें सारे कष्टों को मिटा दूंगा। जो भी आप अब तक नहीं सीख पाए हो, ऐसी कुछ चीजें जरूर सिखा के जाऊंगा, चाहे आपने कितनी भी ज्यादा पढ़ रखी है संधि, या आप वो लोग भी होंगे जिनको आज तक संधि समझ में नहीं आई। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ रखी है और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो मैं दोनों को संतुष्ट करूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कहूंगा कि अब के बाद शायद संधि से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये तो खैर आप बताओगे वीडियो देखने के बाद, बहुत छोटा वीडियो है, रिविजन बता रहा हूं। अगर आपको फुल डिटेल जानना है तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से पूरी देख सकते हो संधि को। ठीक है, पहले आधे आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, स्वर संधि पे अलग, विसर्ग पे अलग, व्यंजन पे अलग। ठीक है, वहां से देख लीजिए। एक ज्ञान की बात है दोस्तों कि भला किसी का कर ना सको तो तुम बुरा किसी का मत करना। ये आपने भजन सुना होगा, मैं तो ऐसा सुन रहा हूं, जैसे सुना रहा हूं तुम्हें, जैसे हिंदी पढ़ा रहा हूं इसे भी। ठीक है, बस ये समझ लेना ज्ञान की बात है। भले का मतलब यहां कवि का तात्पर्य भले से क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। किसी का अगर ये काम नहीं कर सकते ना तुम, ये तीनों में से कोई सा, तो फिर बुरा भी उसका मत करना, तो इसका मतलब डिसलाइक भी मत करना। ठीक है, बुरे का अर्थ यहां ये है। चलिए, हंसी आ रही है तो कोई बात नहीं, तो ये सब चीजें थोड़ी सी बतानी पड़ती हैं आपको। डिसलाइक करो करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक साथ में कमेंट जरूर कर दे करो कि भाई डिसलाइक इसलिए करा जी हमने, इसलिए ये बात पसंद नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, बाकी जो लाइक करते हैं वो तो मुझे करते ही हैं कमेंट की दी, ये जो है बढ़िया लगा, ये ऐसा लगा, फलाना लगा, ढिमकाना लगा, पर जो डिसलाइक करें वो जरूर कमेंट किया करो, ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं कि आपको क्या कमी नजर आ रही है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं, अब आगे स्वर संधि पे आते हैं। तो स्वर संधि में पांच संधियां होती हैं, ये तो शायद सभी को पता होगा। ये स्वर संधि के पार्ट है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, व्यण, आदि। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अब रट लो, पांच तरह की स्वर संधि होती हैं। ठीक है, अब दीर्घ संधि उनमें से कैसे पहचानेंगे, बड़ी मात्रा। ठीक है, बड़ी मात्रा में विद्यालय, मुनीश्वर, हरीश, वधूर्मी, देखो आप कोई सा भी देखो, आ की मात्रा होगी, ई की होगी, या बड़े ऊ की मात्रा होगी, ये तीनों बड़ी मात्रा होंगी। तो आ का डंडा ये बड़ी मात्रा है, अगर आ का ना हो तो ए होती है इसकी छोटी, बड़ा ये छोटा ये, ई ई ये छोटी होती है, तो छोटी नहीं चलेगी इसमें, बड़ी ई की मात्रा इधर को चढ़ती तो उसको कहते छोटी। तो मुनीश्वर, हरीश, वधूर्मी, भानुदय, तो ये सब में आप देख रहे हो कि बड़ी मात्रा है, तो दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है, इसलिए दीर्घ संधि है। लेकिन तुम कहो जी और भी जगह मिल जाता है जैसे बड़ी मात्रा, तो फिर भी वहां ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ नायक है आका डंडा, तो यहां भी मिल रहा है, तो फिर इसमें आदि क्यों है, दीर्घ क्यों नहीं है, आका डंडा आके डंडे पे जब आप बता रहे हो। दोस्तों साथ में ये भी है कि आके डंडे से वो टूटना चाहिए शब्द, जैसे विद्या और आल्य, विद्या का घर, आल्य माने घर होता है, विद्या प्लस आल्य, तो ये देखो आपने देखा है आके डंडे से ही दो भाग बने हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे ईक से ही ये टूटनी चाहिए तभी दीर्घ है, बड़ी तो आपने चेक कर ली, अब जो दो शब्द बन रहे हैं सोचो, वो मुनि और ईश्वर, दो यहीं से टूट के बन रहे हैं वो ई से। ठीक है, हरी छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी हरी पे, प्लस ईश बड़ी वाली ईश। ठीक है, वधु, वधु पे छोटी चढ़ा दो, वधु प्लस बड़ी वाली उर्मी, क्योंकि उर्मी में चढ़ती बड़ी है उर्मी। भानु, भानु पर छोटी चढ़ा दो प्लस उदय, तो दोनों छोटी चढ़ेंगे, भानु प्लस उदय। तो अब आप देख रहे हो कि ये सब जो शब्द हैं ये यहीं से टूटे हैं, जहां जहां मात्राएं थी। तो बड़ी मात्रा के साथ साथ ये भी देखना है कि शब्द कहां से टूट रहा है, अगर शब्द उसी मात्रा से टूट रहा है तो दीर्घ 100% कोई रोक नहीं सकता उस संधि को। ठीक है, स्वर क्यों है, स्वर इसलिए है क्योंकि आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आ ई, ये सब डिटेल बताई है मैंने पिछली वीडियो में, वहां देख लेना। तो ये आपे खत्म आपे शुरू, ठीक है, ऊपे खत्म ऊपे शुरू, ऊपे खत्म ऊपे शुरू, तो जहां पे ई ऊ आ ई ये सब पे खत्म और इस पे ही शुरू हो रहा हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब मैं आता हूं गुण संधि में। तो गुण संधि में कैसे करेंगे, ओ सॉरी, स्वर संधि होते हैं, दीर्घ में तो ई ई ऊ ऊ, बड़ी छोटी बड़ी बस यही चलेगा,
और आ आ यही चलता है दीर्घ में, लेकिन गुण में क्या चलता है? स्वर तो इसमें भी होंगे दोनों तरफ, जहां से टूटेगी स्वर इसमें भी है क्योंकि ये भी स्वर का पार्ट है। लेकिन अब यहां पर इसकी पहचान बता रहा हूं एक मात्रा, बस इतनी रट लो, जैसे वहां दीर्घ में रटा, दीर्घ के नाम से स्पष्ट है बड़ी मात्रा, गुण में एक चीज रट लो, एक मात्रा जिस पे चढ़ेगी वही गुण संधि होगी, एक मात्रा जरूर चढ़ेगी। नरेश भाई ई की मात्रा नहीं, ऊ की नहीं भाई, एक मात्रा तो इनको बोला है ना, एक मात्रा, कभी कभी दो भी चढ़े तो जो दो चढ़ेंगी वहां वृद्धि, वृद्धि मतलब ज्यादा, तो जहां ज्यादा चढ़ेंगी वहां वृद्धि संधि, और गुण कौन सी जो लिमिट में रहेंगी, लिमिट में मतलब एक रहेंगी, तो वही तो गुण होता भाई, गुण आदमी का वही तो जो लिमिट में रहे चीज। मान लो फालतू का गुण उड़ा डोल्ला किसी में से, तो हम कहेंगे फालतू है वृद्धि है फिर वो, ठीक है, तो गुण कहेंगे एक मात्रा। तो नरेश सुरेश महोदय जलोर्मी देवऋषि सप्तऋषि, अब आप देख रहे हो सब में एक एक मात्रा है और यहीं से टूटेंगे, एक मात्रा से ही टूटेंगे तभी है गुण संधि, ठीक है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई हमें। चलिए दूसरी बात, एक इसमें मैंने साथ में लिखा है ए और ओ, एक ए क्या होता है ओ क्या होता है ये तो पता ही लग गया ना, ए पे ही एक मात्रा ये जो अगर इसी शब्द पे चढ़ा दूं, और ओ की मात्रा कौन सी होती है जो इस पे चढ़ जा, ठीक है, तो ये एक मात्रा वाले हैं दोनों साइन। और ये जो रेर इसको बोलते भी रेप ऋषि हो, ठीक है, तो ये ऋषि अगर इनको तोड़ने पे किसी शब्द को मात्रा भी ना भी हो, जैसे सप्तऋषि में कोई मात्रा नहीं है फिर भी गुण संधि है, तो ऋषियों में तो गुण होते ही हैं। तो याद रखिएगा सप्त और इसको अलग तोड़ोगे तो ऋषि, देव ऋषि, तो जहां पर भी ऋषि अलग टूट के जा रहा हो वहां भी गुण है, क्योंकि गुण तो ऋषियों में ही होते हैं, याद रखोगे आप इस बात को ऐसे, है ना, एक ट्रिक से। तो एक मात्रा और गुण किसमें होता है, ऋषि में, तो जहां ऋषि लग जाए वहां भी आपका गुण संधि होगी। वृद्धि संधि जहां दो मात्राएं होंगी, यण संधि जहां आप खुद देखो, जहां भी देखिए दो मात्रा आपको समझ में आ गई ना, वही बिल्कुल वही ए आई की और औ की, और ये और ये वे रह का चक्कर होता है यण में, और अयादि दोनों में ये वे का ही चक्कर होता है, ये वे रह का, तो रह का तो चलो मैं बता ही देता हूं, और ये वे का भी समझ लीजिए, ये वे के साथ अगर आधा अक्षर आ जाए कहीं भी तो यण लगा दो आंख मीच के, और ये वे के साथ पूरा अक्षर हो तो वहां लगा दो आप अयादि संधि। कैसे रखोगे याद, ये वे के साथ आधा अक्षर यण ये वे, यण ये वे, ठीक है, तो याद रहेगा। तो आधा अक्षर जैसे अत्याधिक, अगर इसको तोड़ना है ना दोस्तों तो ये हट जाता है इनमें से, इसलिए ये वैसे बने हैं, तो ये हट जाएगा और टे पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, अति प्लस ए हट, ये हट गया तो ए छोड़ जाएगा वो पीछे, अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। ऐसे भी इसको तोड़ना है तो क्या हट जाएगा, आधा अक्षर, देखो ये के ऊपर ये जो रे है ना ये आधी होती है, तो ऊप रे, इस आधे अक्षर पे ई की मात्रा चढ़ जाती है, जैसे यहां चढ़ी थी टे पे ई की मात्रा, और ये हट जाता है तो ऐसी ऊपरी, और फिर यह हट जाएगा तो क्या बचेगा, उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। खुद देखो, अब इसको खुद सोचो, प्रति यह हट जाएगा और एक, एक ए जो है इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, प्रति प्लस एक, अब वे को खुद तोड़ दोगे आप खुद भी, वी क्यों, क्योंकि आधे अक्षर पे ही तो ई की मात्रा प्लस, अब देखो ये, अब यह हटाना पड़ेगा, ये तो भाई जो इसके साथ ये लगा है आधा अक्षर वो तो हटाना पड़ेगा, यह तो, अब यह हटाओगे तो फिर यह की जगह क्या लगाओगे, यह अगर बोल रहे हो ना तो इसका मतलब यह है यह प्लस ए, तो यह आधा और ए पूरा बोलता है, यह ऐसे बोला जाता है, तो ए बच रहा है अभी, तो ए ये, तो ए जो इसमें से हटा प्लस ये, ठीक है, तो ए ये, अब इसको भी तोड़ो, नी क्यों, यह हट जाएगा, अब क्या बचेगा आगे, ऊन, न्यू प्लस ऊन बड़ा हुआ आएगा क्योंकि यहां भी बड़ा है, ठीक है। अब आप आगे देखो, अब ये वाली तो आपको बात समझ में आ गई, ई की मात्रा चढ़ जाती है, और इसमें वे वाले में क्या होता है, जो ई की चढ़ रही थी बस उसको ऊ कर देते हैं, तो वे के लिए ऊ की मात्रा चढ़ाते हैं, सु और वे हट जाएगा सेम ऐसे ही जैसे ये हटा रहे थे हम, ऐसे ही वे हटेगा, स्वच्छ तो आप इसको भी सु प्लस वे हटेगा तो ए बचेगा अच्छ, सु प्लस अच्छ। तुम कहो यहां तो आपने ए वाली बात, यहां तो ए लगाया अपने पास से, पर यहां तो ए नहीं लगाया, यहां तो दोस्तों पहले ही था ना आ, तो आ लिखना ऐसे ही है, तो ए अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो अब तुम कहो जी यहां भी नहीं लगाया था आपने ए, तो ए वहीं लगाएंगे जहां कुछ वोवेल ना हो, जहां स्वर ना हो, तो वहीं तो लगाएंगे, यहां तो स्वर है ऊ, ठीक है, तो क्योंकि हमें यण बनानी है, यण है तो सीधी सी बात है दोनों तरफ स्वर रहेंगे ना, ठीक है, तो ये इस वजह से। अब आप देखिए अयादि के भी ऐसे ही आप तोड़ सकते हो, नयन ने प्लस,
अब देखिए ये इसमें भी हटेगा, ये वे हटते हैं और ये हट गया, अब तो बचेगा अन। अब तुम कहोगे जी वहां तो ई की मात्रा चढ़ा रहे थे, यहां ए की क्यों चढ़ाई है? तो दोस्तों ये अयादि संधि है, मैं आपको बता दूं ये के साथ इसमें दो नियम है, एक तो ए की मात्रा, देखिए एक तो दो मात्रा चढ़ती है ए और आई की, और वे के साथ चढ़ेंगी यहां पर ओ की और औ की, तो ध्यान रखिए ये बात। अगर ये हटाओगे तो ए और आई कैसे चढ़ती हैं? जैसे ये काई की मात्रा ए की, और आई की कौन सी होगी? दो कर दूंगा। ओ की कौन सी होती है? जैसे ओ की मात्रा आपको दिखाने लगूं, जैसे महोदय, ये ओ की है, ओ बोला जा रहा ना मोहो, और ओ की मात्रा कौन सी होती है? वन औषधि, ये ओ की मात्रा, औ की, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं उम्मीद करता हूं। तो ये हटाना है तो आई इसी के ऊपर चढ़ाना होता है, तो ने। अब तुम कहो कहां दो चढ़ेंगी, इसमें तो दो मात्रा ना, ये एक वाली है, तो दो कहां चढ़ती है? जहां भी आका डंडा आएगा साथ में वहां दो चढ़ा दूंगा बस इसके ऊपर, क्योंकि आका डंडा भी एक मात्रा का काम करेगा, मात्रा भी ऐसी चढ़ती है, आका डंडा भी एक होता है, तो वो मात्रा माना जाएगा। अब आप देखो पवन, तो पवन में ये वे आया है, तो अब आप क्या करोगे? ये मात्रा चढ़ेंगी पवन में, तो एक चढ़ाओगे क्योंकि आका डंडा आएगा, तो इसमें भी तभी दो चढ़ेंगी, तो पो प्लस अन, ध्यान रखना वे हट जाएगा अन हो जाएगा। अब नायक, आका डंडा आया ना, तो नायक में खुद बताओ, तो ये है ना, तो इसी ने के ऊपर चढ़ेंगी, ओ नहीं चढ़ेगी, ने प्लस अक नायक। अब पावक में खुद बताओ, पो दो मात्रा क्योंकि आका डंडा आ गया है, और ओ पे चढ़ती है पौ प्लस अक पावक, ठीक है। अभी मैं और प्रैक्टिस कराता हूं और आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो देख लीजिए। संधि विच्छेद के नियम लिख रहे हैं, जो जो चीजें बताई हैं वही वही नियम लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। अगर ये आपने नियम पढ़ लिए तो आप समझ लो पूरी तरह से आप कभी संधि विच्छेद गलत कर ही नहीं सकते। वीडियो बड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे संधि विच्छेद भी सिखाना है और संधि भी सिखानी है, तो रिवाइज करानी है बस, रिवाइज। तो कपीश खुद बताइए, कपीश में क्या होगा? बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ संधि होगी कि नहीं, क्योंकि टूटेगा भी यहीं से दीर्घ है, तो कपी छोटी कर दो प्लस ईश, तो यहीं से टूटा इस वजह से दीर्घ संधि है। गंगेश्वरी दो मात्रा आ रही है, साफ दिख रहा है कौन सी संधि है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा गंगेश्वरी में कौन सी संधि है? तो आप कहोगे कौन सी वृद्धि संधि है, क्योंकि दो मात्रा वृद्धि में आती है। और अब इसको तोड़ना चाहो तो गंगा, तो गंगे तो गंगा बनेगा ना, और फिर साथ में क्या बनेगा? देखिए वृद्धि का नियम मैंने यहां लिखा है, अगर कोई चीज ए पे खत्म हो रही है, ए का मतलब यहाँ आ भी होगा, ए और आ ए की बात होती है, तो एक थाली के चट्टे बट्टे, तो ए या आ पे कोई चीज खत्म हो रही हो तो अब दो मात्रा चढ़ रही है वृद्धि में, यही तो चढ़ रही है गंगेश्वरी पे, खुद देखो आप गंगेश्वरी पे यही तो आई की मात्रा है ना, तो आई किससे बनता है? आप खुद देखो, आई बनता है ए और आ से ए, तो ए ए और ए से बनता है आई, ठीक है। तो ए पे तो आपे तो खत्म हो गया ये आ, प्लस ए पे तब बना ये आई की मात्रा, तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य, ठीक है। तो ऐश्वर्य में ये चढ़ता है ऐश्वर्य आई की मात्रा, तो ये जो ए होता है ना ए, तो ये जो ए है ये ए के साथ आई भी हो सकता है, तो ए आ या ए आई। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, चलो ये बात भी, वृद्धि संधि में ये दो नियम लगते हैं, ए और ओ, औ की मात्रा रहेगी इसमें, ये औ कैसे बनेगा ए और ओ से, तो वो भी बताऊंगा। चलिए तो उम्मीद है वृद्धि तो आप देखते ही पहचान लोगे, थोड़ा सा इनमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और आ जाएंगे पर समझ में। निगम प्लस आगम, तो कहां से टूटा? आके डंडे से, तो आके डंडे से टूटा तो बड़ी मात्रा है, तो इसलिए दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। अध्यक्ष, तो ये के साथ आधा अक्षर आए तो क्या होता है? अधि, अधि, और ये हटा देते हैं तो अब धे पे, अब देखिए ये हटाया ए तो बच गया, अब बाद में अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अधि, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था यण संधि है, ठीक है, आधा अक्षर देखते ही। अब बताओ आधा है ये और वे के साथ तो क्या है? यण, ये भी यण है, तो यण और आदि समझाऊंगा अच्छे से। तो अब इसमें यण संधि है, तो बताओ वे अगर हटा रहे हो तो अनु चढ़ाना पड़ता है ऊ की मात्रा, अगर ये हटा रहे हो तो ई की मात्रा, ऊपर बताया था तो अनु, ठीक है, इस ने पे अनु प्लस, अब वे हटाओगे तो ए तो बच रहा है, ए ये भाई वे, ये खाली ये तो लिखोगे नहीं,
ठीक है। अब ये नहीं लिखोगे तो सीधी सी बात है वह के बाद क्या बचा था, ए, तो ए है, ठीक है। भवन, तो भवन में क्या कौन सी संधि है, भवन में अब आपको दिख रहा है ये यण तो हो नहीं सकती तो अयादि होगी, क्योंकि वह तो आ रहा है वैसे ही आपको दिख जाएगा तो अयादि है। तो अब क्या चढ़ाए, ओ की मात्रा चढ़ेंगी अब, वो सॉरी इसमें, हाँ तो कौन कौन सी मात्रा चढ़ती है अब देखिए, तो भो चढ़ेगी या और कुछ चढ़ेगी, तो अब आप खुद देख, इसमें मैंने आपको बताया था ध्यान करो जब भी वे आएगा तो ओ की मात्रा चढ़ेगी, अगर ये अयादि में ये आता तो भ के ऊपर ही चढ़ जाती, तो भो प्लस अन। अब तुम कहो यहां दो मात्रा कब चढ़ती है, जब ये भावन होता तो हम दो मात्रा चढ़ा देते। अब नायक का खुद बताओ, आकडंडा है ना और ये चढ़ रहा है तो ने के ऊपर ही चढ़ेंगी, ओ नहीं लगाएंगे, आई की मात्रा चढ़ेगी दो, ने प्लस अक, तो ये कौन सी संधि है, अयादि, सेम, ठीक है। भावुक, ये भी अयादि संधि सेम, तो भावुक का आकडंडा है ना और वह है तो दो मात्रा, भौ प्लस वह हट जाएगा तो ऊ बचा, तो ऊ तो स्वर है उक, तो भौ उक, ठीक है। अब आप इसमें नायिका, ये भी अयादि संधि, आधा अक्षर नहीं है यह के साथ, तो नायिका अब ये है इसलिए ने पे चढ़ेंगे, आका डंडा है तो दो मात्रा चढ़नी चढ़नी है, ने प्लस ये हट जाएगा तो क्या बचा, ई, तो ई से ही शुरुआत हो रही है तो इका, तो अब आपको ए देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां स्वर मिल गया है ऑलरेडी, स्वर नहीं मिलता तो ए ढूंढते हैं फिर। अब आप देखो धावक, तो धावक फिर अयादि संधि है तो अयादि है, अयादि क्यों है, वह के साथ पूरा अक्षर है, तो अब आप क्या करेंगे, दो मात्रा, दो मात्रा क्यों, क्योंकि आका डंडा है, ध प्लस वह के बाद ए बच रहा अक, ध अक, तो याद हो रहा है आपको बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो आका डंडा है फिर दो मात्रा, ध प्लस इका तो धाविका, ये भी इसमें ही आ जाएगा। पवित्र, तो वह है फिर दो मात्रा है, एक मात्रा एक, क्योंकि यहां आका डंडा नहीं है तो ई है, आका डंडा पवित्र होता जब होता तो एक ही मात्रा आएगी, तो पो प्लस इत्र। अब पावन का दो मात्रा आएंगी, पौ प्लस अन, वह नहीं लगाएंगे, वह तो हट जाएगा, अयादि चल रही है सारी अयादि अब तक। गायन, तो ऐसे ही पूछा जाता है कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद ज्यादा, यही तो चीज पूछता है इसमें और क्या पूछेगा। गायन, तो गायन क्या होता है, तो अब आप कहिए क्योंकि ये आ रहा है तो गे के ऊपर ही चढ़ेंगी, आका डंडा इसलिए दो चढ़ेंगी, गे प्लस अन, तो ये भी कौन सी अयादि संधि। अन्वेषण, वे के साथ आधा अक्षर, यण संधि बदल गई, यण है ना, अब यण है तो फिर क्या चढ़ता है, वे आता है तो ऊ की मात्रा, और यह होता आधे अक्षर के साथ यह होता तो ई की मात्रा, अनी करता फिर, अब करूंगा अनु, अनु प्लस वे हट गया तो ए की मात्रा बची ऊपर, ए की ये होगी एषण, अनु प्लस एषण। भवादि, तो कौन सी संधि है बताओ, यण है ये भी, क्योंकि आधा अक्षर है किसके साथ, वे के साथ, यह वे के साथ आधा अक्षर है, तो भू, भू प्लस आदि, खुद कर दो अब मेरी वो देखते रहोगे बाट, तो भू प्लस आदि। तो अब आप मातृ इच्छा, तो मात्र माता प्लस इच्छा, माता की इच्छा तो माता प्लस इच्छा, इसको अलग ही तोड़ दो। दोस्तों ये बात मैं बतानी भूल गया, तो ये किसमें होती है, ये यण संधि का एक एग्जाम्पल है, जो पितृ इच्छा, मातृ इच्छा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो वो मैं यहां आपको बतानी भूल गया था, तो यहां पे आएगी वो, ठीक है। ये इसमें मैंने संधि के नियम में लिखे हैं, वहां नहीं बता पाया, यण संधि में होती है जितनी भी पित्राज्ञा, पित्रानुमति, पितृच्छा, मातृच्छा, मात्राज्ञा, मात्रानुपति, मात्रानुमति, तो ये सब किस में होगा, ये सब यण संधि में, अनुमति, मात्रा, पित्रा की जो बातें होती हैं, तो ये सब यण संधि में, ठीक है, याद रहेगी ना, ये वे रे तो है ही, तो वो रे वाला नियम है, ये वे के तो पढ़ लिए, जो रे होता है ना वो यहीं से है, माता और रे हट गया तो जैसे वहां ये वे हट गया ऐसे यहां रे हट जाता है तो माता बन जाता है, माता प्लस इच्छा, ठीक है। ऐसे ही पिता होता तो पिता, पितृच्छा तो पिता प्लस इच्छा, क्योंकि रे ने अपनी बलि दे दी, जैसे यहां ये और वह देते हैं, ठीक है, तो ये भी यण संधि है। तो महोसद, तो महोसद ये तो वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि में आपको पता है महा, महा प्लस औसद, तो ओ में एक ही मात्रा आएगी औसद, ठीक है, क्योंकि आ और ओ मिलके औ बना देते हैं। हितोपदेश, ये वहां बताइए डिटेल, अगर आपको देखनी है तो स्वर संधि की पिछली पढ़ लेना वीडियो। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश,
तो किससे टूटी है? ओ की मात्रा से, तो गुण संधि, तो गुण संधि क्योंकि एक मात्रा मध्य वाल्य कौन सी संधि है बताओ, वे के साथ आधा अक्षर यण संधि, ए देखते ही पहचान लोगे, और वे आ रहा तो मधु बनेगा, मधु प्लस आल्य मधुवाल्य। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ।